संगीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लियर किया है या फिर बीएससी कंप्लीट की है। देखिए 53 वैकेंसीज आउट की गई हैं एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, और जो ये वैकेंसीज हैं ये साइंटिफिक असिस्टेंट की या फिर आप कह सकते हैं स्टाइपेंट्री ट्रेनी की वैकेंसीज हैं यहाँ पर आउट की गई हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर साइंस डोमेन से हैं, बीएससी की है, ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस डोमेन से बिलोंग नहीं करते, स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्किप करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी जॉब अपडेट्स हम लेकर आते हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स किसी भी डोमेन से हैं, हर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम हमारे चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पर। तो बात करेंगे इन वैकेंसीज के बारे में जो कि आउट की गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट की, स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग की वैकेंसीज हैं, 53 वैकेंसीज आउट की गई हैं। बीएससी की हुई है आपने, साइंस डोमेन से हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। प्लस अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग डोमेन से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं इन 53 वैकेंसीज़ के लिए। करंट एंड बैकलॉग में ये वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। एप्लीकेशन की बात करूँ तो 24 जनवरी से लेकर यहाँ पर 14 फैब तक कैंडिडेट्स इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है एनपीसीआईएल की तरफ से। एनपीसीआईएल जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, उसकी तरफ से ही वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। 50 वैकेंसीज़ करंट में हैं, 3 वैकेंसीज़ यहाँ बैकलॉग में हैं। टोटल 53 वैकेंसीज़ को यहाँ पर आउट किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर बोल सकते हैं स्टाइपेंट्री ट्रेनी की वैकेंसीज़ हैं। साइंस ग्रेजुएट्स के लिए है, इंजीनियरिंग डोमेन से जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। जो क्राइटेरिया है डिप्लोमा का वो क्लियरली मेंशन किया गया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिन भी कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कैंडिडेट्स ने बीएससी की हुई है, साइंस डोमेन से हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। देखिए फ्रेशर्स के लिए है, जो यहाँ पर एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी। इस बीच में जो भी एज ग्रुप में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। जो स्टाइपेंड है वो 35,400 तक का जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। फुल डिटेल्स है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इन पोजीशंस के लिए, 35,400 तक का स्टाइपेंड फ्रेशर्स के लिए जॉब 18 से 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं जो भी इस भी एज ग्रुप में लाए करते हैं कैंडिडेट्स। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है, बीएससी की हुई है आपने, अप्लाई कर सकते हैं, टोटली एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है गो थ्रू कीजिएगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अप्लाई कर सकें। एंड येस, फॉर द इंटरव्यू, फॉर एनी काइंड ऑफ रिटन एग्जाम, यू कैन कंटैक्ट योरपीडिया एजुकेशन फॉर द सेम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म है, फिल जरूर कीजिएगा फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। जो भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग डोमेन से हैं या साइंस डोमेन से हैं, कोई भी वैकेंसी होती है चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, प्रॉपर इंटरव्यू के साथ ही प्रिपेयर करके जाइए ताकि जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, एचआर क्वेश्चंस हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, उसकी आपकी प्रैक्टिस हो। तो इसी के लिए फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द रिटन एग्जाम, फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। एंड येस, फिल आउट कीजिए, अप्लाई कीजिए इन वैकेंसीज के लिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अच्छी पोजीशन से यहाँ पर आउट की गई हैं। एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।